माय चैनल और आज की वीडियो हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी मसल सिस्टम और जानेंगे मेन कौन कौन से मसल है हमारी बॉडी में और वो कहां पर लोकेट है और क्या है उनका नाम और क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में और इन सब मसल को आज डिटेल वाइज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैंने सबसे पहले एक इधर कार्टून बना रखा है आपको, थोड़ा फनी सा कार्टून है आपको समझाने के लिए। जो हम मसल आज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें जो शोल्डर के मसल है उसको पढ़ेंगे, उसके नीचे चेस्ट के मसल पढ़ेंगे, उसके नीचे हम आज पेट के मसल पढ़ेंगे और उसके बाद जो बैक साइड मसल होते हैं पीठ पे उसको पढ़ेंगे और उसके नीचे फिर पेल्विक के मसल और देन इसके बाद हम लेग के मसल पढ़ेंगे और लेग के बाद हम आर्म्स दो उसके मसल पढ़ेंगे और हर आखिर में एंड में हम स्कल के जो मसल है वो पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे हम कौन कौन से मेजर जो मसल होते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हमने जो लिख रखा है वहाँ शोल्डर के मसल है, शोल्डर के मसल मैंने दो जो मेन मसल है उसे लिख रखा है। सबसे पहले डेल्टॉइड मसल और दूसरा है ट्रपेजियस मसल। चलिए दोस्तों इसे डिटेल से समझते हैं, मैं साथ में आपको एक पिक्चर भी दिखाता चलूँगा ताकि आपका विजन और भी क्लियर हो सके। तो चलिए जो हमारे पास जो डेल्टॉइड मसल है जो दोस्तों जो हमारी ह्यूमरस बोन है उसे टच करता है एक साइड और दूसरी साइड जो ऊपर की साइड है टच करेगा हमारे क्लेविकल बोन जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं और जो स्कैपुला हमारे बैक साइड को जो बोन होती है उसे टच करता है जो अपने टेंडन के थ्रू उसे कनेक्ट होता जुड़ा होता है। आपको मैं पिक्चर दिखाता चलूँगा नाल और इसकी जो मूवमेंट होती है दोस्तों अबडक्शन मूवमेंट करता है। जब भी हम हाथ को ऊपर और नीचे करते हैं तो हमारा जो मसल है वो यूजफुल होता है, उसे वर्तो होती है इसमें। और सेकंड हमारे पास जो मसल है उसे ट्रपीजियस मसल कहते हैं जो हमारे पास बैक साइड प्रेजेंट होता है। मैं आपको पिक्चर दिखाता चलूँगा दोस्तों, इसे हम ट्रायंगुलर और डायमंड शेप मसल भी कहते हैं। इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शक्ल होती है वो डायमंड जैसे होती है और इसकी वजह से जो नेक में मूवमेंट होती है, नेक को रोटेशन करते हैं, इसे आगे पीछे करते हैं, तो ये मसल बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसका जो लिंक होता है मसल जो स्केल के साथ भी जुड़ा होता है। स्कैपुला जो हमारे पास बैक साइड जो हमारी एक बोन्स होती है आपको पिक्चर दिखाता चलूँगा, उसके साथ ये कनेक्ट होता है जुड़ा होता है, इसकी वजह से हमारी जो नेक की मूवमेंट है वो पॉसिबल वो हो पाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो चेस्ट के हमारे पास मसल है वो कौन कौन से, चलिए उसे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास जो चेस्ट के मसल है वो है, सबसे पहले है हमारे पास पेक्टोरेलस मेजर और दोस्तों एक होता है माइनर। ये दो मसल होते हैं हमारे चेस्ट के ऊपर। तो बच्चे लोग जिम में जाते हैं आपने देखा वो चेस्ट को ज़्यादा हिट करते हैं जाके, तो दोस्तों वो चेस्ट के में जो ये मसल होता है इसे जाके हिट करते हैं और जहाँ पर ये लोकेट होता है और ये किसके साथ जुड़ता है ये देखते हैं। एक इधर बोन्स होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, ये स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है और इसके साथ ये ह्यूमरस बोन जो हमारी हाथ वाली बोन है इसके साथ इधर को ऐसे जुड़ा होता है और जो हमारी क्लेविकल बोन है जिसे कॉलर बोन कहते हैं और इसके साथ ऐसे जुड़ा होता है। दोस्तों ऐसे ये मसल दोनों साइड ऐसे वो जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये हमारा वो चेस्ट वाला मसल है और सेकंड जो हमारे चेस्ट पे जो मसल प्रेजेंट होता है हम उसे कहते हैं सराइटस एंटीरियर। दोस्तों ये जो हमारे पहला मसल है इसके नीचे प्रेजेंट होता है और ये रिब्स जो हमारी पसलियाँ होती हैं इसके ऊपर एक मसल जो हमारा प्रेजेंट होता है। आपके साथ मैं एक पिक्चर दिखाता चलूँगा, आपने देखा होगा जो हमारे जिम में जो बॉडी बिल्डर होता है ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं जिसकी वजह से ये मसल उनका अच्छी तरह से बिल्ड हो जाता है। पर ये दो मेन मसल है हमारे चेस्ट के। और दोस्तों अब देखेंगे हम पेट के मसल और पेट में कौन कौन से मसल है ये देखते हैं। सबसे पहले होते हैं अबडोमिनल मसल। आपने देखा होगा सिक्स पैक सुना होगा एक्ट्रेस के बॉडी बिल्डर जो होते हैं जहाँ रेसलिंग करते हैं उसमें सिक्स पैक होते हैं, जहाँ पर पेट पर सिक्स पैक होते हैं, ऐसे 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 सिक्स पैक होते हैं बीच में ऐसे सिक्स पैक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वो सिक्स पैक जो होते हैं वो अबडोमिनल वो मसल होते हैं जिसके सिक्स पैक बनते हैं और इसके आगे हैं एक्सटर्नल ओब्लिक और सेकंड है इंटरनल ओब्लिक। दोस्तों ये जो मसल होते हैं वो हमारे जहाँ रिब्स से शुरू होते हैं और हमारा पेल्विक जो बोन होती है इस यहाँ तक जाते हैं और जो हमारा पेट का एरिया होता है इसे सराउंडिंग जो एरिया हमारे बीच बचता है इसे कवर करते हैं और इसे अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ के रखते हैं। आपको साथ में पिक्चर दिखाता चलूँगा ताकि आपका क्लैरिटी वो हो सके। ये इंटरनल होता है ये बीच में होता है, इसके ऊपर जो परत होती है वो एक्सटर्नल होती है। ये पूरा का पूरा हमारा जो यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे रिब्स होती है और रिब्स जहाँ पेल्विक बोन होती है जो एरिया बचता है इसे कवर करने के लिए जो
ये एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक जो हमारे मसल वो काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो पेल्विक हमारी बोन्स होती है उसमें जो पेल्विक का जो लोअर जो पोर्शन होता है उसे जो हमारा मसल जो कवर करता है उसे हम कहते हैं लेविटर अनी। हमारा होता है वो पेल्विक जो जॉइंट्स होता है जो पेल्विक बोन्स होती है उसको जो नीचे वाला पूरा एरिया है वो एक ही मसल उसे कवर करता है। और साथ इसमें आप पिक्चर में अच्छी तरह से देख सकते हो। और अब हम मसल जो देखेंगे वो हम देखेंगे जो हमारे बैक में जितने भी मसल होते हैं जो मेन मेजर मसल होते हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लैटिसिमस डोर्सी मसल जो हमारा होता है जो जो हमारे बैक साइड में मेन और बहुत ही मेजर वो मसल होता है। ये जो डोर्सी मसल होता है कनेक्ट होता है जुड़ा है आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पेल्विक के साथ बैक साइड जो पेल्विक होता है उसके साथ जुड़ा होता है। उसके साथ जो हमारी रिब्स जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं 9, 10, 11, 12 जो हमारी होती है उसके साथ बैक साइड जुड़ा होता है। स्कैपुला जो हमारे पास बीक में बैक साइड में हमारे जो बोन्स है उसके साथ जुड़ा होता है। और इसके साथ ह्यूमरस जो बैक साइड हमारी बोन्स है उसके साथ जुड़ जाता है जाके। और जो हमारी वर्टिब्रल जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके साथ बैक साइड में ये जुड़ा होता है। इसलिए जो ये लैटिसिमस डोर्सी मसल होता है वो बहुत ज़्यादा जो बोन्स के साथ कनेक्टिविटी करता है तो इसलिए ये बहुत ही मेन और मेजर मसल वो हो जाता है बैक साइड। जो सेकंड मसल होता है बैक साइड वो होता है साइक्रो स्पाइनेलिस मसल होता है। दोस्तों ये मसल हमारे पेल्विक वो बोन्स है उसके साथ चलता शुरू होता है और जो हमारी वर्टिब्रल इसके साथ साथ आगे ऊपर बढ़ता जाता है। रिब्स के साथ कनेक्ट होता हुआ जो हमारी स्कल है जो हमारी खोपड़ी है जहाँ तक ये कनेक्ट होता वो जाता है और ये बॉडी को जो बैक साइड उसे मूवमेंट अच्छी तरह से वो प्रोवाइड करता है और हमारी जो वर्टिब्रल है उसे भी अच्छी तरह से पकड़ के स्ट्रॉन्ग मजबूती से उसे पकड़ के वो रखता। दोस्तों अब हम देखेंगे जो हमारी लेग में मसल कौन कौन से मसल होते हैं चलिए आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। दोस्तों ये मसल वो मसल जहाँ पे डॉक्टर आके टीका लगाता है समझ गए ना आप वो कौन सा मसल है मैं पिक्चर दिखाता चलूँगा आपको साथ में। दोस्तों ये हमारा पेल्विक टू ह्यूमरस जो बोन होती है पेल्विक से शुरू होता है और ह्यूमरस बोन तक जाता है। ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो मसल है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल है। तो चलिए सेकेंड जो हमारे पास है क्वाड्रिसेप्स फेमरस जो मसल है हमारे पास वो पेल्विक से शुरू होता है और जो फ्रंटल टीबिया हमारी जो बोन्स है वो जो नी के नीचे बोन होती शुरू है उसे हम टीबिया बोन कहते हैं जहाँ तक वो जाता है। और दोस्तों जो क्वाड्रिसेप्स मसल होते हैं वो जो हमारी थाई होती है उसके फ्रंट साइड होते हैं आपको पिक्चर दिखाता चलूँगा। और जो हमारे साइकिलिंग करते हैं उसका जो मसल बहुत ही बड़ा वो हो जाता है क्योंकि उस पर ज़्यादा जो वजन जो लोड होता है जो वर्क होता है वो उस पर मसल पे ज़्यादा है इसलिए उनका जो मसल है वो काफ़ी बड़ा वो हो जाता है। और जो हमारे पास तीसरा मसल है उसे हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल होता है। और दोस्तों ये हमारे बैक साइड मसल होता है जो हमारी थाई है उसके बैक साइड मसल होता है और ये पेल्विक से शुरू होता है हमारी और टीबिया और फिबुला जो हमारी बोन्स है दो नीचे बोन नी के नीचे दो बोन्स होती है उस पर जाके कनेक्ट करता है। चार नंबर पे हमारा मसल है वो है सर्टोरियस मसल। दोस्तों ये बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल होता है वो शुरू होता है हमारी जो पेल्विक बोन है वहाँ से शुरू होता है और टीबिया और जो हमारी नी के नीचे जो सबसे पहली फ्रंट वाली बोन है वहाँ तक जाता है जो सबसे लंबा मसल और पतला होता है सबसे लंबा जो मसल वो होता है। इसके आगे है टीबियालिस इंटीरिया मसल होता है। दोस्तों ये हमारा मसल वो टीबिया जो हमारी बोन है उससे शुरू होता है और जो फुट हमारा पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ तक ये मसल जाता है और जो चलने फिरने में दौड़ने में ये मसल वो हमारे मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो मसल होता है वो है ग्लेस्टोक्नीमियस जो हमारे पास मसल होता है। दोस्तों ये मसल होता है ये फिबुला जो हमारी बोन्स है जो बैक साइड होता है और ये फुट F2 यानी कि फिबुला बोन से लेके जो हमारा फुट है इसके वहाँ तक वो जाता है। दोस्तों ये हमारी जैसे हम पिन्नी कहते हैं जो बैक साइड होती है आपने देखा होगा जो मसल गेन करते हैं जो जिम में जाते हैं ये मसल को हिट करते हैं ज़्यादातर और देखने भी बहुत अच्छा ये मसल लगता है। और दोस्तों जो हमारा इसके साथ ही जो 7 नंबर पे पॉइंट है जो मसल है वो है और सोलियस मसल। दोस्तों वो इसके नीचे होता है और ये मसल फिबुला और टीबिया से शुरू होता है और जाता है हमारा फुट तक जाता है और फुट में जो पीछे वाली हमारी एडी होती है पैर के वहाँ पर जाके जो इसका टेंडन जो होता है वो कनेक्ट करता है। ये दोनों जो मसल होते हैं इसके जो कनेक्टिविटी जो फुट की होती है वो फुट के जो पीछे हमारी एडी होती है
वहाँ पर जाके इसकी कनेक्टिविटी होती है, और ये जो मसल होते हैं ये वॉकिंग करने में, रनिंग करने में और डांसिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे जो हमारी आर्म्स होता, हाथ होता है, उसमें कौन कौन से जो मसल वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। दोस्तों बाइसेप्स होता है जो जिम में जाते हैं, आपने देखा जो दौड़ा पाते हैं इधर से, जो मच्छी ही बनती जो अंडा सा निकलता है वो होता है, उसमें दो मसल होते हैं उसे हम कहते हैं बाइसेप्स, और जो पीछे जो तितली से बनती है उसे हम कहते हैं ट्राइसेप्स। और ये प्रेजेंट होते हैं जो हमारे इधर हमारी बोन्स होती है, जिसे हम कहते हैं उमरस बोन कहते हैं, उसके ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं। ऊपर की तरफ होता है बाइसेप्स और नीचे की तरफ होता है ट्राइसेप्स। नीचे तीन मसल होते हैं, ऊपर दो मसल होते हैं। और दोस्तों ये बाइसेप्स होता है ये हमारा स्कैपुला से शुरू होता है, और जो हमारी रेडियस होती है जो हमारी अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है उससे जाके कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम जो हमारा हाथ है उसे हम उठा पाते हैं बाइसेप्स की वजह से ही। और जो ट्राइसेप्स होता है और जो स्कैपुला और जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है इसके साथ कनेक्ट करता है। कुछ इसका पॉइंट है क्योंकि इसमें तीन मसल होते हैं, कुछ उसका हिस्सा जो कुछ उसका पार्ट है वो स्कैपुला से टच करता है, और कुछ उसका पार्ट जो ह्यूमरस से टच करता है, और आगे नीचे जो जुड़ते हैं अल्ना के साथ जो हमारी बोन होती है उसके साथ आके जो ट्राइसेप्स है वो जुड़ता है। और नेक्स्ट हमारे पास है वो है ब्रेक्यू रेडियलिस जो मसल है। दोस्तों ये हमारा ह्यूमरस के साथ ह्यूमरस से शुरू होता है, और ये हमारी रेडियस है टू रेडियस जो हमारी बोन से इसके आगे आके कनेक्ट करता है। जो मसल है रोटेशन जो मोशन है, रोटेशन मोशन जो यानी कि हम जो हाथ को मोड़ पाते हैं इसे कहते हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन, हम इसे कहते हैं इसकी जो टर्म है प्रोनेशन और सुपिनेशन। इसकी वजह से जो मेरा हाथ है वो मूवमेंट कर पाता है, रोटेशन मूवमेंट वो कर पाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास वो है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, और ये जो मसल है वो हमारे अल्ना से शुरू होता है, यानी कि अल्ना बोन जो हमारी उससे शुरू होता है। और ये मेटा कार्पस यानी कि हमारी यहाँ जो उंगलियाँ होती है, जो उंगलियाँ की बोन्स होती है वो वहाँ तक ये मसल वो जाता है। और नेक्स्ट है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलस, जो हमारा मसल है वो ह्यूमरस से जो बोन है उसे वहाँ से स्टार्ट होता है और जाता है मेटा कार्पस यानी कि जो हमारी उंगलियाँ होती है बोन्स की वहाँ तक जाता है। अगर हम जहाँ से अपना हाथ रखें और इसका बेंड करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे जो हमारा इधर इस साइड जो मसल है उसमें मूवमेंट हो रही है, आप आसानी से ये पता कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पल्मारिस लॉन्गस मसल, और ये ह्यूमरस से स्टार्ट होता है और हमारी रिस्ट को कवर करता है और आगे हाथ तक जो हैंड तक है वो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लम्ब्रिकल मसल्स होता है हमारे हैंड में, और ये जो हमारे हाथ में मेटा कार्पस बोन होती है और इसे स्ट्रॉन्ग मजबूती से आपस में पकड़े रखता है, इसलिए ये जो मसल है बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अब हम देखेंगे नेक में और जो हमारे सिर में जितने मसल होते हैं जो मेन है, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे नेक में यानी कि हमारी गर्दन में जो मेन मसल होते हैं, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है क्लाइडोमस्टॉइड मसल, जो हमारे पास फ्रंट में हमारे कॉलर बोन से शुरू होता है और जाके हमारी जो स्कल होती है, जो हमारा सिर का जो खोपड़ी होती है उससे जाके जुड़ती है, टच करती है। आपने कभी देखा होगा, अभी मैं आपको पिक्चर भी सेंड करता चलूँगा, जो हमारा जे वाली जो मसल होता है जब भी हम टर्न करते हैं तो जे वाला मसल जो सामने फ्रंट में हर दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं क्लाइडोमस्टॉइड। और नेक्स्ट है हमारे पास वो है सप्लीनियस कैपिटिस, और दोस्तों जे वाला मसल जो हमारी बैक बोन होती है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल होती है उससे ये स्टार्ट होता है और आगे ऊपर जो हमारा स्कल होता है यानी कि हमारी खोपड़ी होती है उसमें जाके टच होता है, और ये हमें जो हमारी खोपड़ी होती है इसे मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। तो जब भी हम अपना सिर आगे को जगाते हैं और जे वाला मसल एक्टिवेट हो जाता है और इसे खींच के रखता है और आसानी से जो मुंडी है अपनी इसे लुढ़कने नहीं देता। और अब लास्ट जो मसल बच गए हैं जो हमारे सिर में है और जो मेजर और मेन मसल, आइए उसे एक बार देख लेते हैं। और सबसे पहले है टेम्पोरल मसल, हमारी इधर टेम्पोरल एक बोन भी होती है उसके साथ टेम्पोरल मसल होता है, और ये टेम्पोरल मसल कहाँ से शुरू होता है, टेम्पल बोन से शुरू होता है, जो मैंडिबल बोन यानी कि हमारा जो जबड़ा है जहाँ तक ये जाता है, आप साइड में पिक्चर देख रहे होंगे, और इसके साथ जो आगे है। और जो नेक्स्ट है वो है मसल मैसेटर मसल, दोस्तों हमारे जहाँ से शुरू होता है
और जो मैंडेबल यानी कि जो जबड़े का जोड़ है इसे मजबूती से पकड़ के रखता है, और जब भी आप अगर अपने दांतों को ज़ोर से दबाएंगे तो आप इससे महसूस कर पाएंगे इधर। और नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो वो है ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस। ये मसल दोस्तों हमारे जो माउथ यानी कि हमारे जो लिप होते हैं इसका जो बनावट है जी इस मसल से बनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्बिकुलेरिस ऑक्यूली। ऑक्यूली दोस्तों ये हमारा जो मसल है, और ये मसल जो हमारी जो आँख है आँख के सराउंडिंग जो मसल है उसका जो नाम है। आप इस पिक्चर में ये जो मसल है उसे देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीपिटो फ्रंट एलिस मसल। दोस्तों ये मसल हमारी जो आइस होती है जो हमारी आँख होती है इसके ऊपर से शुरू होता है और बैक पूरी खोपड़ी के पीछे तक ये मसल जाता है। तो दोस्तों ये टोटल मसल हमने पढ़ लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।